अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम मेरा भाई, कैसा है? कैसे हैं भाई? तो माशाल्लाह, नई टोपी मुबारक हो, किसको पहनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू द चैनल। भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सही है, मैं जस्ट घर पे आया हूँ, सिर्फ शावर लिया है, कपड़े चेंज किए हैं और अब्दुल कबीर को ले लिया मैंने। अब्दुल कबीर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक। कहाँ जा रहे हो, किसको लेने जा रहे हो? अच्छा, बासित तो ऐसे बोलते हैं जैसे बासित इसका दोस्त है। ठीक है भाई, तो हम अपने बासित को लेने के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं और आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। और आज संडे है, संडे का दिन पूरा आपको अपने साथ घुमाते हैं। पकड़ो अब्दुल कबीर को, 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 पकड़ो। कितनी कैट्स बैठी हुई हैं, ये देखो, चली गई। ये देखो कैट की मम्मा बैठी हुई है, कैट की मम्मा बैठी हुई है, अपने बच्चों को ले गई। ये देखो एक और बच्चा कैट का, आओ बटन दबाओ, ये बटन दबा के रखो, ये वाला बटन दबा के रखो। हाँ जाओ अंदर जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र स्टार्ट करते हैं। हो गया है 8:20 हो गए हैं, ठीक है, और 8:10 पे अब्दुल बासित भाई की फ़्लाइट लैंड होनी थी। तो इसका मतलब यह है कि बाहर आते आते तकरीबन 8:45 बज जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट से जल्दी बाहर भी आ जाना बंदा तो लगेज के लिए बहुत वेट करना पड़ता है और इमिग्रेशन के ऊपर लाइन भी अच्छी खासी बड़ी होती है। तो ये सीन है, मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा 15 मिनट में। आज संडे है और रश है नहीं रोडों के ऊपर, तो आपका भाई जल्दी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। नींद आपके भाई की बिल्कुल हुई नहीं है, सिर्फ दो आखिरी के जो है ना 2-2.5 घंटे जो सफर के थे ना, वो सिर्फ सोया हूं। अभी मैं घर पे जैसे ही एंटर हुआ, अम्मी ने बोला अभी आया है और इसके बाद फौरन निकल रहा है। मेरा लग क्या कर रहे हैं, और इसी तरह भाग दौड़ के अंदर जिंदगी गुजरती रहती है। और उम्रे के बाद की जो है ना एक दावत, एक डिनर जो है ना हमने होल्ड करके रखा हुआ था, क्योंकि मैं तो वापस आ गया था लेकिन अब्दुल बासित भाई जो है वो वापस नहीं आए थे। तो मैंने बोला अब्दुल बासित भाई वापस आ जाए तो फिर हम जो है ना दोस्त इंशाल्लाह कहीं खाना खाने के लिए भी जाएंगे। अब्दुल कबीर, वापसी में हलवा पूरी हो जाए बेटा? हो जाए ना? हाँ हलवा पूरी भाई, वापसी में अब्दुल कबीर के हलवा पूरी इंशाल्लाह। यहाँ से क्या लेंगे अब्दुल कबीर? अब हम टिकट लेंगे, पार्किंग टिकट। ये देखो इसको ऐसे बटन दबाएंगे, सही है, और ये आ गई पार्किंग टिकट, सही है, सही है। ये लो आप संभाल लीजिए। अब हमने गाड़ी लगा दी है भाई एयरपोर्ट की पार्किंग में। अब्दुल कबीर थोड़ी सी नींद कर ले। हाँ। थोड़ी सी नींद कर ले, पापा को बहुत नींद आ रही है। पापा को सुला दो क्या अपने साथ? हाँ। ऐसे ऐसे प्यार करोगे, ऐसे ऐसे यूं करोगे, यूं ही करोगे। हाँ वाकई, अगर मैं सो गया ना तो अब्दुल बासित भाई वेट ही करते रह जाएंगे। अब्दुल कबीर कौन आके बैठ गई है? कोलिया नहीं, कोयल, कोयल उड़ गई। चलें भाई, फाइनली 10 जो है वो अब्दुल बासित भाई आए हैं और आते के साथ ही झटका मिल गया। एक मतलब हमारे साथ भी हुआ था, वो हुआ ये था कि उम्रे से आए थे और बैग ही नहीं आए थे, बैग जो है ना वहीं रह गए थे, इसका बाद में आए थे। तो अब्दुल बासित भाई का अच्छा हुआ, अल्लाह के शुक्र है, सामान आ गया है, जमजम वहां पे रहेगी। अब जमजम किसी का भी नहीं आया इस फ्लाइट के अंदर, वो बाद में आएगा, जब पता नहीं आ जाएगा कल आएगा फिर इनको मिले। अब्दुल बासित भाई किधर है? आ जाए मैदान में, आ जाए, जगह भी मिल गई, यहाँ पे लगा देता हूँ। ओ देखे मेरा गंजा दोस्त आ गया। सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम मेरा भाई, कैसा है? कैसे हैं भाई? आप तो बहुत मिस किया। अच्छा। माशाल्लाह, नई टोपी मुबारक हो, किसको पहनाएंगे? मेरा अलबैग किधर है? ये रहा। ये चीज भाई जान, अलबैग की बड़ी तलब हो रही थी। अब्दुल कबीर तुम्हारा वेट कर रहा है बेटा, जल्दी चलो आ जाओ, थोड़ी गंदी रहती है। किसको भाई? गाड़ी के अंदर जो अलबैग की खुशबू आ रही है ना, आए हाय हाय, दिल कर रहा है, यकीन कर अभी भी निपटा दे अलबैग। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया, पता तुम्हारे लिए कौन कौन थे? फिश फिले भी आ गया, माशाल्लाह, स्पाइसी जो कि था नहीं उस वक्त। आए हाय 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 हाय, क्या बात है। अच्छा यार, तुम अपने लिए नहीं रखोगे अलबैग सारा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा ना। और भाई सबसे बड़ी खुशखबरी एक और, अब्दुल बासित भाई को हमारे सऊदी भाई ने एयरपोर्ट में मुलाकात की थी माशाल्लाह, और किस्वा के 2 दिए, मतलब एक नहीं 2 दिए। बहुत बहुत मुबारक आपको, अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को दीजिएगा तोहफे में माशाल्लाह। ये देखें, खोल के दिखाएं, माशाल्लाह 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 से। और इसकी जो खुशबू, ये जो थैली से निकाला है ना इसने, इसकी जो खुशबू, ओए ओए ओए, मतलब वही खाने कावा वाले जो है ना फीलर वाइब्स आ गई ना। तो अल्लाह पाक सबको बार बार जो है वो हाजिर नसीब करे। अब हम चलते हैं, बड़ी भूख लगी है, बड़ी बहुत टाइट वाली भूख लगी है। मतलब इतनी खुशी, मेरे लिए कीवी एंड लाइम लेके आया मेरा भाई, और हैंड कैरी माने दिया उन्होंने। वाह भाई वाह, निकालो निकालो, ऐसी चीजों के अंदर नेक काम में देरी तो करते ही नहीं बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, इस अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए। भाई सारी गर्मी भाग गई। अब पियो जूस, बताओ कैसा है? अच्छा है। मजे मजे का है।
हाँ भाई मजे मजे का कैसे नहीं होगा, कहाँ से आया है। हमने सोचा कि जो है ना क्यों ना नाश्ता कर लिया जाए, बड़ी भूख लग रही थी। सही है, तो हम बादराबाद पे आ गए और ये जो है ना अब्दुल कबीर के लिए जो है अब्दुल बासित भाई लेके आए टॉय। ठीक है अब्दुल कबीर, से थैंक यू। वाओ, ऑन करो, ऑन है, इसमें सेल्फी लेने में। अच्छा चले भाई ऑन करके चेक करते। वाओ अब्दुल कबीर, यहाँ पे अब जो है ना बंटवारे पे बात आ गई है। ठीक है, बंटवारा होने लगा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा भाई सीन ये है कि अब्दुल कबीर को जो है वो मैं नाश्ता लेके घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि घर वाले वेट कर रहे हैं नाश्ते के लिए। आज संडे है तो मैंने बोला कि हलवा पूरी का सीन करते हैं, तो हलवा पूरी का ऑर्डर दे दिया है। अब्दुल कबीर को घर पे छोड़ेंगे, इसके बाद हम लोग बाहर नाश्ता कर लेंगे। लेकिन मैंने बोला कि प्लीज अगर एक पीस मिल जाए, थैंक यू सो मच, चिकन नगेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले गया भाई, ले गया। गरम खाने में ज्यादा मजा आएगा भाई, अलबे ठंडा भी चलेगा। जी अब्दुल कबीर, इसको पता है ना कैलबैक का टेस्ट तो जो है ना पक्का ही है, तो पहले ही कर दो। अच्छा अभी आमिर भाई को पता भी नहीं है कि हम जो है ना इनके पास जा रहे हैं और अलबैक लेके जा रहे हैं। सही है, तो आज हम दोनों डिलीवरी बॉय बन गए। ठीक है, लेकिन अब्दुल बासित भाई अभी एक बात कह रहे थे, क्या आपने वीडियो में क्या देखा था, किसी से दिल करा? चले वो वहीं पे बताएंगे, वहीं पे बताएंगे। और ये आ गई भाई आमिर भाई की दुकान। हमने यहाँ पे गाड़ी लगानी है पार्क पे, कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अलबैग हटाओ जरा तो नजर आए कुछ। गर्म हो गया, अलबैग गर्म हो गया ना। अच्छा ये देखिए धूप में माइक्रोवेव का काम हो गया। आमिर से पूछते, आमिर बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, फूड पांडा पे ऑर्डर किया था आपने? फूड पांडा पे अलबैग आ गई एक और। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भजन, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक। आमिर को हमने कोशिश किया दुकान से निकाल के लेके जाए नाश्ते पे, लेकिन आमिर भाई ने बोला मैं बहुत बैडली स्टक हूँ, नहीं निकल सकता। तो हमने बोला कि इसमें एक सही, और इसकी एक ख्वाहिश है यार, वो कोई पाकोला मिल्क पी रहे थे लोग। बोला यार तू गया था अलबैग देने तो पाकोला मिल्क मिला था। हमने जो है ना अब चेंज कर दिया, अब पाकोला मिल्क नहीं, अब रोज मिल्क। सही है ना, डिफरेंट होना चाहिए कुछ। ठीक है जी अब्दुल बासित, पाकिस्तान आते के साथ ही पहली चीज आपने ये निपटाई आज, है ना? अभी हाँ नहीं, बस हम आज रोज मिलके। इसका भी मजा और है ना, एंड एंड इस और जिस लेवल की गर्मी है ना, इस तरह की चीजें मजा करती है। आमिर भाई पाकोला मिल्क पी रहे हैं, तो बासित भाई ने एंजॉय किया होगा ना, रोज मिलता होगा ना वहाँ भाई। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह 6 इंच कमर जो है ना और बढ़ गई है। मुझे लगा था कि कमर कम करके आएंगे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत गेन किया, बहुत मन के खाया। हाँ बहुत मन के खाया भाई, जहाँ अलबैग की खुशबू आई ना यूसुफ भाई ऊपर से आ गए नीचे। हाँ ये सीन ये है कि आमिर भाई को भी और यूसुफ भाई को भी हमने पकड़ लिया, अपने साथ ही ले लिया। सही है, अब हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। सही है, वैसे एक बात बताऊं, मुझे आज लंच पे इनविटेशन है और वो इनविटेशन लाजमी जाने वाला इनविटेशन है, तो वहां पे भी जाना है। ये देखें भाई इतवार को जो है ना ये माहौल होता है। सही है, ये देखें हलवा पूरी चल रही है फुल टाइट, लेकिन हम जो है वो आज हलवा पूरी नहीं खाएंगे। मैं आज तुम लोगों को जो है ना डंकिन डोनट पे नाश्ता कराता हूँ। उसकी वजह बताऊं क्या है, वजह बताएं? कार्ड पे डिस्काउंट, ये चीज आपके भाई के कार्ड पे डिस्काउंट होगा, लाजमी होगा। तो हम जो है ना हल्का फुल्का खाते हैं, क्योंकि जो है ना लंच पे जाना है एक जगह, तो वहाँ पे भी आप लोगों को लेके चलेंगे अपने साथ। फिलहाल चलते हैं डंकिन डोनट। चले भाई पहुंच गए हम लोग यहाँ पे डंकिन पे। ठीक है, देखते हैं जरा यहाँ का क्या सीन है। सर आइए सर, थैंक यू, वेलकम टू पाकिस्तान सर, वेलकम टू कराची। वेलकम है, वेलकम सर, अभी तक खंड नहीं गया हूं मैं। वेलकम सर, मैं आपको घर छोड़े आप सर, हम आपको नाश्ता कराने के लिए आए। कितनी पूरियां खाएंगे भाई आप बता दें? पूरियां नहीं मिलती। अच्छा नहीं मिलती है, मैं यही टेस्ट कर रहा था कि तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम। भाई ये डंकिन डोनट्स में हम गरीबों के लिए पिज्जा रखा हुआ है, बस एक ही पिज्जा में से चारों को खाना पड़ेगा। नहीं अलग अलग भाई। अच्छा यूसुफ बेटा इधर बच्चों के लिए इधर बनाओ, तुम ये गाड़ी से खेलो जब तक हम आते नाश्ता करके। सही है, ये वाली गाड़ी उठा, गाड़ी के अंदर डोनट लेके देने पर। अच्छा अच्छा हाँ हम लेके दे देंगे आपको, बच्चों के लिए वैसे ही फ्री रखा है मैंने। तो भाई कितनी देर हो गई बैठे हुए? 25 से 30 मिनट हो गए जी। अब्दुल बासित भाई कुछ आया नहीं आपको, लिफ्ट ही करा रहे? 20 मिनट हो गए। ठीक है, आज संडे है और दोपहर को 1 बजे आपके भाई ने अभी अभी वीडियो पब्लिश कर दी है। ये आमिर भाई के पास नोटिफिकेशन चला गया, सही है देख रहे हैं, ये यूसुफ भाई के पास नोटिफिकेशन चला गया और आप लोगों के पास भी हो गया होगा। आप लोग भी देखें, काफ़ी दिनों से लोग बोल रहे थे कि भाई लंबी वीडियो डालो, लंबी वीडियो डालो, डाल दी 20 मिनट की नहीं 33 मिनट की डाली, इंजॉय करें। लेकिन एक भी चीज़ आप लोगों को ऐसी नहीं होगी जिसमें मज़ा नहीं आएगा, इंजॉय करें भाई। फाइनली 25-30 मिनट वेट करने के बाद जो है ना हमारा नाश्ता आ गया, बहुत अलबैग खा लिया, आ जाएँ वापस कराची में आ जाएँ।
डालें, केचप डालें यार, ये पिज़्ज़ा हम ज़रा ट्राई करते हैं। आमिर भाई अभी बिजी हैं, सही है, वरना आमिर भाई को भी हम अपने साथ दावत में ही लेके जाना चाह रहे थे, और अब्दुल बासित भाई के तो घर के पास है, तो आप आते के साथ ही एक और लंच भी हमारे साथ निपटा दीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, चलना पड़ेगा। जी आमिर भाई, क्या सीन है इसके सैंडविच का? ओके ओके। अच्छा, आमिर भाई को बहुत पसंद है डंकिन डोनट का नाश्ता, अक्सर आते हैं जी। यूसुफ भाई, माशा आमिर भाई का सैंडविच, आमिर भाई ने बोला चक भाई। ये अच्छा है, ये अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी केचप की बोतल डाली है पिज्जा के ऊपर? आज पहला दिन है ना। अच्छा, पहला दिन है, मतलब सारी कसर निकाल दी आपने केचप डाल के, तीनों निपटा दी केचप। बहुत वेट कर रहा था कराची के खाने का। अच्छा भाई, आमिर भाई गए ऊपर चेंज करने के लिए क्योंकि हमने दावत में जाना है। मीनवाइल यूसुफ भाई ने जज्बात में आके अलबैग खोल लिया, सही है, और अलबैग हमारे ऊपर निछावर कर दिया इन्होंने, बोला भाई हम खाएंगे साथ मिलके। तो इनकी इस कुर्बानी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि इनको इनकी एक फेवरेट चीज तोहफे में दी जाए, क्या हो सकती है? बताओ बताओ क्या हो सकती है, सोचो। जब अलबैग आता है तो इसके साथ एक और चीज भी आती है जिसकी तुम्हें ख्वाहिश होती है। ये चीज निकालो भाई, निकालो कीवी एंड लाइम निकालो यूसुफ के लिए। यूसुफ ने जो है ना हमें अलबैग खिलाया और हम इसको कीवी एंड लाइम पिलाएंगे। ये लें, आ हा हा। अब्दुल बासित भाई ने 11th आवर के ऊपर प्लान चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई घर वालों से मिलने दो, क्यों इतना कर रहे हो मेरे साथ। तो मैंने बोला ठीक है, आप जाएं, आज़ाद हैं, आप मिले घर वालों से, आपको हम शाम में कहीं पकड़ेंगे। तो हम इनको पहले जो है ना घर पर छोड़ने के लिए आ गए। जी जा रहे हैं आप? अजन ट्रैवलिंग के बाद का उसूल है, सबसे पहले जाके बैग खोल लेना, सही, सबसे पहले सारे मामला भी खत्म हो जाए। बिल्कुल है, सही, सारा बंटवारा अभी हाथ में। ठीक है मेरा भाई, चल मिलते हैं। ओके, वंस अगेन मुबारक आप। हम नियत करते हैं दावत में जाने की, सही है, आ जाएं, बैठें गाड़ी में, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। हालत तो हमारी जो है ना ऐसी तैसी है, लेकिन ये कि क्योंकि टाइम हो गया तो हमने बोला कि चलें दावत अटेंड करते हैं। और इसके बाद बच्चे की जो है ना कि कुरान ख़त्म किया है, ठीक है, तो उसकी जो है वो लंच रखा हुआ है और तिलावत कुरान का जो है वो एक सिलसिला है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं पर्ल बैंक्वेट, हमारे दोस्त हैं, इन्होंने कहा था कि खास आपने लाजमी आना है, विजिट करना है भाई। यहाँ पे जो है वो खत्म कुरान की महफिल चल रही है और लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम। ये देखिए भाई, ये उसके दो है ना, दोनों छोटे भाई हैं। कैसे हो? ठीक हो? वो अक्सर मिलती थी, वो दुआ करते थे कि अल्लाह तो हमें कुरान का आशिक बना। देखिए, जिस बच्चे की हिफ्ज़ कुरान की तकमील के प्रोग्राम में हम आए ना, ये है माशाल्लाह। कैसे हो खुरैम, आप ठीक हो? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ कुरान कर लिया, बहुत बहुत मुबारक आपको। बिरयानी आ गई, ठीक है, अब हम हल्का फुल्का खाएंगे। सुबह से जो है ना समझ लें घर वालों को सिर्फ 5 मिनट के लिए शक्ल दिखाइए, इसके बाद से शॉर्ट हो गए थे हम, तो अब जो है ना घर वाले बड़े नाराज़ होंगे। हम यहाँ पे हल्का फुल्का खाएंगे ताकि घर वालों के साथ भी खा सके, ठीक है? तो खाना खाने के बाद मुलाकात करते हैं आपके साथ। यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ क्या बोल रहा है, अगली स्टोरी क्या बननी चाहिए? हॉरर। मज़ा आता है तुमको हॉरर में? वाह भाई, देख रहे हैं बच्चों की एक्साइटमेंट, देख रहे हैं हॉरर कितना पसंद करते हैं। वो ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस थी, रोल्स रॉयस, हाँ वो सामने खड़ी होगी, सामने। चले भाई, आ गई रोल्स रॉयस का ये नया मॉडल है, असल में इसीलिए लोग पहचान नहीं रहे अभी यहाँ पे, है ना जानी, ऐसे ही है। आमिर को भी छोड़ दिया मैंने, यूसुफ को भी छोड़ दिया, अब्दुल बासित भाई पहले ही चले गए थे, अब मैं भी घर जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत थका हूँ, दिल तो कर रहा है कि अभी बस सोऊं और इसके बाद कल सुबह ही उठूँ, ठीक है, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कुछ, थोड़ी देर में अगर कन्फर्म हो गया तो आप लोगों को बताऊँगा कि घर वालों के साथ कहीं ज़्यादा थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं, क्या कहते हैं आप, है ना? क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग रहती है, आप लोग खुद ही देख रहे होते हैं कि कुछ पता नहीं होता कभी कहाँ भी हो सकता है, एक आधे दिन फिर आपका भाई कहीं निकल जाएगा, फिर एक और एडवेंचर पे। तो मैं सोच रहा हूँ आज ज़रा जो है वो हम थोड़ा सा कहीं चक्कर वक्कर लगाने चलते हैं, क्या कहते हैं आप, चले? अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट एडवेंचर ट्रिप, रोड ट्रिप कहाँ का होना चाहिए, सोच, लेट मी थिंक, सही है, इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर आप लोग अचानक वीडियो देखेंगे कि रोड ट्रिप शुरू हो गया। मेरा तो सीरियसली दिल करता है कि आपका भाई जो है ना शिफ्ट हो जाए किसी कैंपर वैन में, कैंपर वैन मिलती नहीं है यहाँ पे, अगर कैंपर वैन मिलती होती ना लेवल की, आपका भाई तो शिफ्ट हो जाता भाई, बिल्कुल फैमिली बीवी बच्चों को लेके शिफ्ट हो जाता कैंपर वैन में। अच्छा, अभी जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ एक और बात कि अभी तक मैंने व्हाट्सएप चेक नहीं किया अपना कल के दिन से, मुझे अपना व्हाट्सएप चेक करने के लिए भी बाकायदा 1-2 घंटे चाहिए होते हैं। डेली बेसिस के ऊपर मैं अपना कोई एक टाइम देखता हूँ क्या अब मैं व्हाट्सएप चेक करूंगा, क्योंकि उस वक्त जब मैं अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस देखना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो ये एक अलग मसरूफियत है। आज के दिन में मैं सोच रहा हूँ
कि मैं किस वक्त चेक करूँ, क्योंकि अगर अभी मैंने घर पे जाके चेक किया ना तो बीवी ने बोलना है कि निकलो यहाँ से, सही है, क्योंकि आने का फायदा क्या घर में जब अभी आके मोबाइल लेके बैठ जाओगे तो, ये भी बड़ा देखना पड़ता है। चले भाई अब मैं घर पहुंच गया हूँ, ठीक है, और अब मैं थोड़ी देर अब्दुल कबीर के साथ नींद कर रहा हूँ। अब्दुल कबीर नींद करेगा मेरे साथ मेरा बच्चा? चलो भाई थोड़ी देर मैं मजे मजे की नींद करता हूँ, अब्दुल कबीर को हक करके सोता हूँ, इसके बाद थोड़ी सी जो है ना एनर्जी गेन करके आप लोगों के साथ मुलाकात करता हूँ, ठीक है। तो भाई लॉन्ग ड्राइव तो आज ना हो सकी घर वालों के साथ, इसका रीजन ये है कि जब भी संडे को मैं सोचता हूँ कि फैमिली के साथ बाहर निकलूंगा और अगर डे लाइट चली जाए तो इसके बाद में मैं अपना प्रोग्राम चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि असल मजा यही होता है कि आप जो है दिन की रोशनी में कहीं निकलो, रात में निकलने का इतना मजा नहीं आता घर वालों के साथ। तो मैं थोड़ा सा अब्दुल कबीर के साथ सो गया और रोशनी इसके बाद कम हो गई थी, तो फिर मैंने बोला कि यार चलो अब लॉन्ग ड्राइव को छोड़ देते हैं और घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। अब मैं ईशा की नमाज के लिए जा रहा हूँ और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद टाइम आएगा अलबैक का। भाई नमाज पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह और अब मैं घर जा रहा हूँ, बेगम ने कॉल की, बेगम ने बोला अलबैग रेडी है जल्दी से आ जा। नहीं भाई अब जो है ना अलबैग का टाइम हुआ चाहता है, पर्दा उठा देते हैं। आए हाय हाय चिकन नगेट्स फिश फिले, बेगम कैसा लग रहा है अगले मतलब दो दिन के बाद ही दोबारा अलबैग देखना बताओ? अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाह रहीम भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले चिकन नगेट्स से, लेकिन आपके भाई का जो है ना सबसे ज्यादा दिल है फिश फिले का, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहीम भाई मजा आ गया। काफी सारे लोगों ने पूछा था कि यार आप अलबैग कहाँ से लेके आए, किस तरीके से लेके आए थे, क्या हैंड कैरी में डाला था या अलग से बैग पकड़ा था। जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपका लगेज तो ऑलरेडी चला गया होता है, आपके पास आपका हैंड कैरी होता है, तो आप नॉर्मली जाके बस अलबैग से अलबैग खरीद लें और जो वो शॉपिंग बैग के अंदर होता है वही अपने साथ आप कैरी करते हुए अपने हाथ में आप अपने साथ प्लेन में ले आए और अब आप उसको एडजस्ट कर दें किसी भी तरह, या तो सीट के नीचे रख दें या कहीं पे भी रख दें तो आप इजीली ला सकते हैं, कोई आपको वहां पे मना नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो अलबैग एंजॉय करते हैं। अब्दुल कबीर जो है ना गर्मी की ड्रेसिंग में बैठा हुआ है अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटा टीका। हाँ टीका नहीं है, मजे मजे का है। भाई अब्दुल कबीर को आप लोग देख रहे हैं, मोहम्मद अहमद भी इसी तरह इसी ड्रेसिंग के अंदर घूम रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब अंदरूनी सिंध में तो थी यहाँ पे कराची आया तो अम्मी ने बोला कि पिछले दो दिन से यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वाकई हालत खराब हुई भी आज तो गर्मी से। और अब वक्त हुआ चाहता है फिश फिले का। ये आ गया, ये आ गया, ये अब्दुल वासित को मैंने बोला था कि कॉकटेल सॉस अलग से ले लेना, वैसे हमारे पास एक दो पिछले अलबैग के भी रखे हुए थे। फिश फिले जो है ना एंड है, सही है ना, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं। चिकन नगेट्स भी मुझे इससे सेकंड नंबर पे लगते हैं, जो फिश फिले की बात है ना वो अलग ही है। जी बेगम क्रेविंग हो गई पूरी? हो गई ना, मज़ेदार है। हाँ जी बेगम क्या कह रही हैं आप? आईफोन 14? असल में वो ख्वाब में से अभी ये लेट नाइट ख्वाब में से उठी ना डायरेक्ट, तो उनको आईफोन 14 की वाइब्स आ रही है। मजाक कर रहा भाई, मैंने बोला कि वीडियो को एंड करते हैं, कल हम कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा, कोई VIP सा जो है ना कुछ प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं थी क्योंकि आज जो है ना तबीयत आपके भाई की अभी भी आप देख रहे होंगे, शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा मतलब क्या हालत हुई, ये लगातार दो दिन से सफ़र चल रहा था, इसके बाद आज हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन थी, हमने चार्ज पे लगाई बैटरी लेकिन चार्ज नहीं हुई, वो लाइट गई हुई थी समझ लें, तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह कल कुछ प्लान करें, अभी बस सोते हैं आराम करते हैं, बच्चों को सुला दिया है, थोड़ा 5-10 मिनट बेगम के साथ ज़रा चिट चैट करेंगे जो कि ज़रूरी होता है, और सफ़र के बाद आता हूँ तो और कुछ दिल के हालात शेयर करता है बंदा, बताता है सफ़र कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे हम फिर वापस आए, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, अच्छी बात होती है डिस्कस करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।